नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। सावन का महीना है और भगवान शंकर को मानने वाले लोग तरह तरह से उपासना इस माह में करते हैं और परिवार की सुख समृद्धि के साथ ही अपने गांव, जिला व प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ऐसे में भारी संख्या में लोग अलग अलग शिवालयों में नदियों से जल लेकर काफी लंबी पद यात्रा करते हुए पहुंचते हैं और सावन सोमवार को जलाभिषेक कर मन्नत मांगते हैं। और आपके इस पूजा और तपस्या के बीच यदि आप पर कोई हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर दे तो शायद आपका उत्साह और आपकी भक्ति और भी बढ़ जाएगी। ऐसा ही कुछ छत्तीसगढ़ में हुआ जब मुख्यमंत्री ने कांवरियों के ऊपर पुष्प वर्षा की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज कबीर धाम जिले के बोरम देव में शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा साथ थे। मुख्यमंत्री ने आज बोरम देव में सावन सोमवार के अवसर पर हजारों की संख्या में पहुँचे शिव भक्तों जो सैकड़ों के किलोमीटर से पैदल यात्रा कर शिव जी का जल अभिषेक करने आए थे, उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। ऐसा छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ जब प्रदेश के मुखिया स्वयं कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने पहुंचे। मुख्यमंत्री द्वारा पुष्प वर्षा का यह क्षण श्रद्धालुओं के लिए ऐतिहासिक रहा। पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा किए, जिससे श्रद्धालुओं का उत्साह और भी बढ़ गया। आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार है। सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को तृतीय श्रावण सोमवार की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं और भोले बाबा से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ वासियों पर लगातार मिलता रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो। और आज हम अपने उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी के साथ जा रहे हैं कवर्धा भोरमदेव में, भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे और कांवरियों का दर्शन करेंगे।